औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आई एम आयश, और आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले होम पेज बनाना सिखाया है, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से गैलरी को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अपना थीम लगाते हैं तो उसमें आप किस तरह से चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हैं। होम पेज हमारा रेडी हो गया, सिंपली आप पेज में जाएंगे, ऑल पेजेस को ओपन करेंगे। ऑल पेजेस ओपन हो गया, आप गैलरी में जाएंगे। ये एक सिंपल सा मेथड है जिससे आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे आपको कोई भी पैसे लगाने नहीं पड़ते, ये आपको एक साल के लिए फ्री होती है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने गैलरी के पेजेस बनाए हुए हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से एडिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करेंगे, प्लस पे जाएंगे, प्लस में जाके आपने यहाँ से जाना है स्लाइड शो में। ठीक है, ये जितनी भी हैं ये स्लाइड्स चल रही हैं जो मैंने यहाँ पर लगाई हैं। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स एडिट कर देंगे, सिंपली ये थ्री डॉट्स पे जाएंगे, यहाँ पे आप शो मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जिस तरह से हमने अपना होम पेज बनाया था। शो मोर सेटिंग पे क्लिक करके यहीं से आप दोबारा पेजेस पे जाएंगे, पेजेस पे जाकर फीचर इमेजेस में जाके सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में जाके आपका जो भी पेज होगा आप उसे सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे, जैसे हमने अपने होम पेज में किया था। उसी तरह से हमने यहाँ पे कुछ पेजेस लिए हुए थे तो हमने उनको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद हमने उस पर स्लाइड शो का लगा दिया कि उस पर स्लाइड्स चलती रहें। आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप करना चाहें अपनी मर्जी से। ठीक है, ये आपको दोबारा पिक्चर्स लगाना भी बता दिए किस तरह से होती हैं। अब आप देखें कि हमने इस पेज की विड्थ फुल करनी है तो हम सिंपली अलाइन में जाएंगे, अलाइन में जाके इस पेज की विड्थ फुल कर लेंगे। ठीक है, ये फुल हो गई है। और यहाँ से अगर आपने कोई पेजेस वगैरह चेंज करने हैं जो आपको पेज नहीं चाहिए, ये मेरा फोर्थ वाला पेज थोड़ा ब्लर आ रहा था, इसे मैं चेंज करके दूसरा पेज लगा के सिंपली इंसर्ट कर दूंगी। ठीक है, ये पेज चेंज करने का तरीका, ये आप देख सकते हैं ये स्लाइड में चल रहे हैं। इसी तरह से नीचे अपलोड इमेजेस में जाएंगे, वहाँ पे आपको और इमेजेस चाहिए तो वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह से इसमें शो मोर सेटिंग्स में जाएंगे, फीचर्स में जाके इमेजेस में जाएंगे, इमेजेस में मीडिया लाइब्रेरी में जाके आप अपने पेजेस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको ऑटो प्ले करना है ऑटो प्ले में ये आपकी वीडियोज़ खुद ब खुद चलेंगी, ये देखिए ये खुद ब खुद चल रही हैं। ठीक है, ऑटो प्ले का ये फ़ायदा, ब्लॉग्स में जाके ऑटो प्ले का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपका गैलरी का पेज रेडी हो गया। ये सिंपली यहाँ पे अगर आप कोई लाइन या हेडिंग्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो आप लाइंस वगैरह ऐड करके इसको सिंपली अपलोड कर देंगे। ये था सिंपल सा तरीका पेजेस बनाने का। इसी तरह से आप ग्राफिक डिज़ाइनर का पेज बनाएंगे, जो यहाँ पे हमने शॉर्ट कोर्सेज डाले हुए थे फ्रीलांसिंग का बनाएंगे। इसी तरह से आप 3D मैक्स का बना लेंगे, मतलब आप जो भी कर रहे हैं, शॉपिंग से रिलेटेड कर रहे हैं या एजुकेशन से रिलेटेड कर रहे हैं, व्हाटएवर जिससे भी रिलेटेड करें, सिंपली इस तरह से पेजेस रेडी हो जाते हैं। ये है सिंपल सा तरीका वेबसाइट रेडी करने का। ठीक है, इसमें डोमेन और होस्टिंग किस तरह से आप परचेजिंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मैं आपको मेथड बताऊंगी आगे जाकर।
लेकिन आपने ये वेबसाइट बनाते वक्त छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, वरना आपको वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स पेश आती हैं। वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो ये सब होगा, हमारा पेज रीलोड हो गया, उसके बाद हम कॉन्टेक्ट का पेज बनाएंगे। सिंपली ये कॉन्टेक्ट का पेज बना हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आप किस तरह से दोबारा से बना सकते हैं। ठीक है, आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाना है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये मैं स्लाइड बार स्क्रॉल कर रही हूँ, इसमें डिफरेंट तरह के हैं, मतलब आप स्लाइड्स भी लगा सकते हैं इसमें, जिस तरह से मर्जी लगा सकते हैं। ये आपको मैं दिखा रही हूँ कितने इसके अंदर आइकन्स वगैरह है ना, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगाने हैं, ये रजिस्टर्ड फॉर्म भी है यहाँ पर और कॉन्टेक्ट फॉर्म भी। अगर आप मुझे रजिस्टर लगाना है तो आप रजिस्टर लगा ले, हमें यहाँ पे चाहिए कॉन्टेक्ट फॉर्म, मतलब कि जो कस्टमर्स हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो उनके लिए हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए होगा। इसको भी हम सिंपली किस तरह से एडिट करेंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने आपको न्यू पेज बना के दिखा दिया। ठीक है, ऊपर से हम ये सारा कुछ टेल कर देंगे। ये सिंपली हमारा कॉन्टेक्ट पेज रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, होम पेज भी इसी तरह से आप तैयार करेंगे, कोर्सेज का पेज भी इसी तरह से तैयार करेंगे। ये हमारा होम पेज था जो हमने कल रेडी किया था। ठीक है, और इसी तरह से हमने गैलरी का पेज रेडी किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में लास्ट में बताएं। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट पेज हमने एडिट किया हुआ है। सिंपल सा ये तरीका है वेबसाइट बनाने का कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स किस तरह बनती हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, बाकी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो मैं आपको कल बताऊँगी। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।